हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास फिफ्थ और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमारा थर्ड लेसन है ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर ये हम पढ़ चुके हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और प्रीवियस क्लास में हमने यस्टरडे ये पढ़ा है व्हाट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चंस, आंसर्स द क्वेश्चंस टू हुम, फॉर हुम, किसको और किसके लिए एटसेट्रा। माय फ्रेंड सेंट मी अ गिफ्ट, मेरा दोस्त सेंट भेजता मीनिंग मुझे अ गिफ्ट, एक गिफ्ट एक उपहार भेजता है, तो किसको भेजता है उपहार, मुझे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मी। सी टीचेस अस, वह हमें पढ़ाती है, किसे पढ़ाती है, किसको पढ़ाती है, हमें। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अस। दे अब्यूज्ड मी, वे मुझे गाली देते, किसको गाली देते, मुझे। तो अब्यूज्ड क्या हुआ तुम्हारा, मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नोट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर पर्संस, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। व्हाइल अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर लाइफलेस थिंग्स, और जबकि जो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। इट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। और सभी जानते हैं कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसीलिए सभी लोग अपने जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन है उनमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, जिससे कि आपको आपके आसपास 500 मीटर या 1 किलोमीटर की रेंज में कोई भी कोरोना पॉजिटिव रोगी मिलता है तो आपको अलर्ट, आपका जो आरोग्य सेतु है वो आपको अलर्ट कर देगा। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। होमवर्क में आपके लिए लेसन फर्स्ट एंड लेसन सेकंड। लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी इन्हें करेंगे, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी, फर्स्ट एंड सेकंड के। आगे देखते हैं इसमें, बुक में आप ओपन योर बुक एट पेज नंबर 11। पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुट अक्रॉस फॉर द वन व्हिच इज नॉट प्रेजेंट। मीना हैड अ पैरट, मीना हैड अ पैरट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है तो उस पर क्रॉस कर देंगे, और कॉम्प्लीमेंट है तो उस पर लिख देंगे अ पैरट, कॉम्प्लीमेंट। ये आपका है एक किया हुआ है, आगे जो एक्सरसाइज है ये होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन ए क्वेश्चन ए के 5 सेंटेंसेज हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट बताना है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसके सामने क्रॉस कर देंगे, और जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं होता उसके सामने क्रॉस कर देंगे, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वहां पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एक मैं आपके सामने कर रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। मीना हैड अ पैरट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है मीना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रॉस, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या कर देंगे उसे लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट अ पैरट। ओके, इस तरह से आपको होमवर्क करना है। थैंक यू।